हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 और इसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे कोलिजन थ्योरी। और ये कोलिजन थ्योरी है, ये भी आरएनएस थ्योरी भी बोला जाता है इसको, ये भी आरएनएस ने ही बताई थी। देखो, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कोलिजन थ्योरी। इसको आरएनएस थ्योरी भी लिख दिया जाता है। और ये किसके लिए आती है, किसके लिए दी गई थी, एक रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म उसको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। तो ये किसके लिए थी, फॉर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, फॉर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। अब देखो इसके अंदर इन्होंने क्या कंसिडर किया था, इन्होंने बोला कि जो भी एटम होते हैं वो हार्ड स्फीयर होते हैं। एटम को क्या माना इन्होंने, हार्ड स्फीयर, या जो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं वो आपस में क्या होते हैं, हार्ड स्फीयर होते हैं। और आपस में क्या करते हैं, कोलिजन। कोलिजन करने के बाद में एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, जिसका नाम क्या पढ़ा था अपन ने, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, जिसका नाम क्या पढ़ा था अपन ने, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस गैप को पार कर जाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास में होती है वो क्या होगी, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपस में कोलिजन करके इस एनर्जी को गेन करते हैं और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो आपको ये बताइए रिएक्शन किसके कारण होती है, तो इन्होंने बोला रिएक्शन होता है वो किसके कारण होती है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं सभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते, उनमें वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जो इस एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को पार कर जाते हैं, इस बैरियर को पार कर जाएंगे, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो इस गैप को पार करते हैं, उनको बोल दिया जाता है एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, फिर किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। क्लियर हुआ? तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, जिनके पास में जिनकी एनर्जी मिनिमम और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी, जो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे उनको क्या बोल दोगे आप, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। जिनका, और ये कौन सी एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, जिनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। क्या होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसको अपन इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो आपको पढ़ रहे कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी क्या है कि किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के लिए, ठीक है, जैसे मैंने ये मान लिया ए प्लस बी, ये किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ए बी या कोई भी प्रोडक्ट है। तो इस कंडीशन में इन्होंने क्या माना था, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था ये क्या मान लिया इन्होंने, हार्ड स्फीयर। इनके अकॉर्डिंग क्या था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं कैसे होते हैं, हार्ड स्फीयर होते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो इस मैकेनिज्म में इन्होंने क्या बोला, देखो पॉइंट वाइज बता रहा हूं मैं, रिएक्शन कैसे होगी, ये वाली रिएक्शन कैसी होगी, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन से। कैसे बन गया कोलिजन से, क्योंकि बेटा कोलिजन करेंगे तो ये एनर्जी को गेन करेंगे, इसको एक्टिवेशन एनर्जी को, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपन ये लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन इज अकर ड्यू टू कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। लिखेंगे रिएक्शन अकर ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उनके बीच में कॉलिजन से रिएक्शन होगी। लेकिन आपको ये बताने, जितनी भी कॉलिजन होंगी सभी इफेक्टिव नहीं होती हैं, इनका एक फ्रैक्शन ही इफेक्टिव होता है जो इस एनर्जी गैप को पार कर जाता है और उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो सेकेंड लिख रहे हैं, ऑल कॉलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, ओनली ए फ्रैक्शन इज इफेक्टिव एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच इन्वॉल्व इन दिस फ्रैक्शन आर नॉन एज एक्टिव मॉलिक्यूल्स। लिखेंगे ऑल कॉलिजन्स कैसे नहीं इफेक्टिव होगी, क्यों नहीं इफेक्टिव होती, इन सबको मैं यहां पे बताऊंगा डिटेल में। ऑल कॉलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव Only a fraction is effective and reactant molecules
एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच इन्वॉल्व्ड इन दिस फ्रैक्शन इज नॉन एज एक्टिव मॉलिक्यूल्स. तो बेटा जो भी जितनी भी कॉलेजन होंगी सारी इफेक्टिव नहीं होंगी, उनका एक पार्ट इफेक्टिव होगा. कुछ मॉलिक्यूल वो इफेक्टिवली कॉलेजन करके इस एनर्जी बैरियर को पार करेंगे, उनका नाम क्या होगा? एक्टिव मॉलिक्यूल्स. और ये किस टाइप से बनाएंगे प्रोडक्ट? ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं. ये फॉर्म करेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. जैसे ये मान लिया एक ए बी है और दूसरा ये मान लेते हैं सी डी, तो आपस में कोलाइड करेंगे तो इससे बनेगा ये वाला, यहां तक पहुंचेगी इसकी एनर्जी मिनिमम. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये बनाएंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हायर होती है. सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की होती है, इसलिए अनस्टेबल होगा. अनस्टेबल होने के कारण ये तुरंत किस में टूटेगा? प्रोडक्ट में. और ये क्या बना लेगा? प्रोडक्ट. ऐसे ए सी और बी डी, जैसे ए बी ए बी इस टाइप से कॉलिजन किए तो ये प्रोडक्ट बन गया ए सी बी डी इस टाइप से. तो बेटा आपको ये बताएं कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स को माना गया था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को माना, हार्ड स्फीयर माना गया था. फिर आपको ये बताएं कि इनमें कॉलिजन होने से रिएक्शन होती है, लेकिन सभी कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होते, उनका एक पार्ट इफेक्टिव होता है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स. ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से फिर प्रोडक्ट बना लेते हैं. क्लियर हुआ? अब देखो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, देखेंगे एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं. तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से हुए? जो इस एनर्जी बैरियर को पार करते हैं, एक्टिवेशन के एनर्जी बैरियर को पार करते हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स. तो अपन ये लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट लगा के लिख रहे हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हो. तो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे वही एक्टिव बोलेंगे, जिसकी एनर्जी इक्वल और ग्रेटर किसके होगी? एक्टिवेशन एनर्जी के, क्योंकि वही इस बैरियर को पार करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे. और कौन से होते हैं? जिनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, या जिसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो उसमें इफेक्टिव कोलिजन होगी. एक तो ये बना सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर those molecules, active molecules are those molecules which have proper orientation, का मतलब जिनमें इफेक्टिव कॉलेज. देखो एक मैं है ना ऑर्गेनिक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ऐसे तो मैं ये भी बता सकता हूं आपको. जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, ये यहां पर देखो प्रॉपर एक दूसरे के सामने आ रहे हैं. अगर यहां पर ये दे रखा हो ए बी, ये तो प्रॉपर ओरिएंटेशन है, और एक ऐसे हो गया सी डी, तो यहां पर क्या प्रॉपरली कोलाइड हो गया क्या यहां पे? नहीं. ये क्या होगा? इसका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन. लेकिन मैं इसकी बजाय आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक एग्जाम्पल से बताता हूं. एसएन टू मैकेनिज्म से आपने पढ़ी भी होगी. देखो जैसे मेरे पास में मिथाइल ब्रोमाइड है, ये मान लेता हूं, और इसके पास में मैंने ओएच नेगेटिव इसका अटैक किया. अब यहां पे अपन देखें, यहां पे आपके पास में ये मिथाइल है और इसके साथ में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है. ये पार्शियली नेगेटिव होता है, पार्शियली पॉजिटिव. वाई? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है. अब देखो आगे, जब इसके ऊपर ओएस नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इस साइड से अटैक करेगा तो क्या इफेक्टिव कोलिजन होगी क्या? क्योंकि ये वाला देखो नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव है तो इसको रिपेल कर देगा, ये नहीं होगा. इसको आप क्या बोलोगे? इम्प्रॉपर. तो ऐसे कितने भी ओरिएंटेड, कितने भी कोलिजन हो, क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा. ये क्या होगा? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन. ये होगा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन. समझ में?
बेटा देखो, एक तो बैक साइड से कॉलिजन हो रही है, एक फ्रंट साइड से कॉलिजन हो रही है, तो फ्रंट साइड में ये लिविंग ग्रुप है, इसी साइड में OH आ रहा है, तो सेम में तो रिपेल करेगा ना, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये वाला ही कॉलिजन ऐसे होता है OH नेगेटिव है, इस साइड से अटैक करता, ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, तो यहां पे देखो बैक साइड से अटैक करा तो डायरेक्ट पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगा, तो यहां पर ये वाला इस पे अटैक करता जाएगा, ये वाला हटता जाएगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहां पर क्या बना लेगा आपके पास में CH3OH और Br नेगेटिव। तो ये वाला क्या था आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो जहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन होता वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये वाले तो यहां पर एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए, क्योंकि यहां पर क्या होगा प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ये मॉलिक्यूल क्या है एक्टिव होंगे क्या, नहीं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इंप्रॉपर ओरिएंटेशन। क्लियर हुआ? तो इनकी एनर्जी होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी से कम रहेगी, इसलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो अपन ये भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स विच हैव लेसर एनर्जी देन थ्रेशोल्ड एनर्जी डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट, नोट लगा के लिखिएगा, इसको उतार लो आप। यहां पे क्या बताया, एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से होंगे जो इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाएंगे, जिनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, और जिनकी एनर्जी इससे कम होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से या एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। लिखेंगे, नोट लगा के लिखिएगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स Which have reactant molecules which have lesser energy than activation energy or threshold energy बोल सकते हो, activation energy does not form product। तो बेटा जब तक इस बैरियर को पार नहीं करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? एक और बता देते हैं, देखो इसके लिए रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मॉलिक्यूल्स रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। कैसे हुआ आपने बेटा, टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे बता रहा हूं मैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज, इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज होगा जिससे नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ये भी बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन है ये भी बढ़ जाती है। या आप ये लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या मैं पूरा लिख रहा हूं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज बिकॉज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पजेसिंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिव एनर्जी इंक्रीज। तो आप ये लिख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट और रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज बिकॉज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज विच पजेसिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, यहीं पे लिख देता हूं मैं, इंक्रीज विच पजेसिंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिव एनर्जी। देखो इधर लिख रहा हूं मैं एनर्जी, एक्टिव एनर्जी,
और इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहले ही मान लेते हैं कि टेम्परेचर टी पे इतना था, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये वाली क्या होगी एक्टिव एनर्जी है, ये वाली क्या होगी बढ़ गई। देखो पहले ही कंपेरिजन में क्या होगी ज्यादा, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद। तो यहां पर ये देखो इसकी एक्टिव एनर्जी है वो बढ़ गई, और एक्टिव एनर्जी बढ़ने पर इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने पर एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, इसलिए यहां पर रेट ऑफ वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हुआ? तो आपको यहां पर एक लिमिटेशन भी मैं बता देता हूं, इट इज ऑनली एप्लीकेबल फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। लिमिटेशन है इसकी, इट इज ऑनली एप्लीकेबल फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जहां पर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है सिर्फ वहीं पे एप्लीकेबल होती है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कॉलिजन थ्योरी क्या बताती है, कोई भी रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करती है, और ये बोलती है कि कोई भी रिएक्शन होती है वहां पर एक जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो हार्ड स्फीयर की तरह बिहेव करते हैं और आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके इस एनर्जी बैरियर को पार करके प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं करते, उनका एक पार्ट एक फ्रैक्शन इस एनर्जी को पार करता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, स्टेबिलिटी मिनिमम होती है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म प्रोडक्ट। फिर बता एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे जो इस एनर्जी बैरियर को पार करेंगे, कौन से पार करेंगे जिसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, SN2 के मैकेनिज्म से आपको बताया, और जिसकी एनर्जी से कम है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है या उसकी एक्टिव एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और इसकी लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन से इसके लिए एप्लीकेबल होती है, नोट कीजिएगा इसको। इसके बाद में इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को मैं दोबारा से, अपने पढ़ा था ना आरएनएस इक्वेशन में रेट ऑफ रिएक्शन, उसको मैं दोबारा से यहां पर रेट कांस्टेंट को इनको रिलेट कर रहा हूं, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल अपन पढ़ेंगे इसमें। नोट कर लीजिए इसको, बेटा अगर आप ये जो डेली पढ़ाया जाता है ना इसमें डेली लेक्चर आप देखते रहो, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर आपको देखने चाहिए, और अच्छे लेवल के आपको लेक्चर मिलेंगे। जितनी भी इंडिया की मोस्ट ऐसी कोचिंग है जो जहाँ से मैक्सिमम सिलेक्शन आते हैं, अगर वहाँ की भी कॉपी को कंपेयर करोगे तो वो सारा मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप इसको देखिएगा जरूर और प्रैक्टिस करते जाइएगा साथ में। चलो अपन पढ़ते हैं, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट कांस्टेंट भी आप लिख सकते हो, के इक्वल टू अपने क्या लिखा था ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां पे ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी था, ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी बोल्ट्जमैन फैक्टर था। चलो मैं यहां पे इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं इस फॉर्म में, के इक्वल टू पी जेड ए बी e टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, मैंने इसको ये मॉडिफाइड करके लिखा, एक ही बात है ये तो। पी होता है स्टेरिक ऑब्लिक ओरिएंटेशन ऑब्लिक प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। जेड ए बी, जेड ए बी क्या हुआ ये बेटा, वो ये सेम फ्रीक्वेंसी फैक्टर या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसको बताता है, पर यूनिट टाइम में पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ कॉलिजन, इट इंडिकेट नंबर ऑफ कॉलिजन इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट
वॉल्यूम इन पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट टाइम में कितने कॉलिजन हुए उसको रिप्रेजेंट करता है, वो ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और यहां पर मैं एफ, एफ इक्वल टू होता है ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी, बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोला था, या इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स यही होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं, या फ्रैक्शनल फैक्टर भी बोल देते हैं इसको। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, या ये लिख सकते हो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कन्वर्ट इन प्रोडक्ट। तो उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बताता है जो किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, या इफेक्टिव कोलिजन। एफ क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, तो एफ यहां पर क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, या इसी को अपन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल देंगे, इफेक्टिव कोलिजन या फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स, क्या लिख सकते हैं, इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स या इफेक्टिव कोलिजन और फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स, वही है सेम बेटा। तो यहां पर आप k इक्वल टू या रेट इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हो, p इंटू जेड इंटू एफ, कई जगह पे ये भी लिखा रहता है कि कौन सा रिलेशन से ये p जेड एफ, एक ही तो बात है, p मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जिसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, जेड, जेड क्या होता है, पर यूनिट, ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है जो पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ कॉलिजन को रिप्रेजेंट करती है, एफ फ्रैक्शन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो मैं क्वेश्चन से करवाता हूँ इसमें, हालांकि बेटा इसमें न्यूमेरिकल कर लिए थे अपने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पे न्यूमेरिकल यहां पे मैं बता देता हूँ। लिखेंगे फॉर ए रिएक्शन एच टू प्लस आई टू चेंज इन टू एच आई, एक्टिवेशन एनर्जी इज 46.06 किलो कैलोरी एट 500 केल्विन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, विच हैव एनर्जी इक्वल और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो। तो आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, एफ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। बस बेटा E वाली फैक्टर होता है तो वहां पर एक चीज ध्यान में रखना, E को हटाने के लिए ln ले लेते हैं, log ले लेते हैं, log की वो फॉर्म जिसका बेस E होता है उसको ln फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल F कैलकुलेट करना है, E टू द पावर माइनस 46.06 किलो कैलरी में, कैलरी में रखोगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, R कैलरी में कितना होता है 2, टेम्परेचर कितना 500, ये 1000 कैंसिल आउट, तो क्या होगा एफ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 46.06, लॉग लोगे e है तो एलन फॉर्म लोगे इसकी, तो क्या होगा एलन एफ इक्वल टू, इसका एलन लोगे तो पावर पहले लिख लोगे, या पूरा लिख देता हूँ, ई टू द पावर माइनस 46.06। सॉल्व करते हैं तो लॉग वाले टर्म में जो पावर होती है उसको लॉग से पहले लिखेंगे, एलन एफ इक्वल टू कितना होगा माइनस 46.06 एलन ई, एलन ई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको मैंने हटा दिया। एलन से तो अपने को सोल्व नहीं करना था, एलन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लॉग में, क्या होता है एलन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303
लॉग एफ इक्वल टू माइनस 46.06। तो लॉग एफ इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया, माइनस 20। लॉग का बेस कितना होता है 10, तो जब भी लॉग हटाते हो तो सामने वाली टर्म को इसकी पावर में रख दो तो कितना होगा, एफ इक्वल टू 10^-20। तो जितने भी मॉलिक्यूल उनका 10^-20 फ्रैक्शन है वो किस में जा रहा है, जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा और वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बस यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि ई को सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सा है, लॉग से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, लिखेंगे इन ए रिएक्शन नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल कौन से होंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स आर 10^-3% एट 500 केल्विन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो कैलोरी। फ्रैक्शन मॉलिक्यूल दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, सिंपल क्या करते हो, एफ इक्वल टू होता है e^-ERT। फ्रैक्शन मॉलिक्यूल कितना आपके पास में, 10^-3% परसेंट हटाते हो तो डिवाइड बाई 100 e^-ERT। एक बार मैं इसी फॉर्म में लिख लेता हूं, ये कितना होगा 10^-5 इक्वल टू e^-EA/RT। ई ए को हटाने के लिए आपको पता क्या करना होता है, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लो ln 10^-5 इक्वल टू -EA/RT, क्योंकि पावर पहले जाएगी, ये होगा ना माइनस ln e^-EA/RT, सॉल्व करो तो -EA/RT पहले आएगा और ln e की पावर e कितना हो गया 1। ln में नहीं सॉल्व करना होता, किसमें कन्वर्ट कर लो, log क्या करोगे 2.303 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 2.303 log 10^-5 इक्वल टू -EA/RT। पावर को पहले लिख लेते हैं log से, तो कितना हुआ 2.303 इंटू -5 log 10 -EA/RT। लॉग 10 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, और ये वाला माइनस आएगा इससे पहले, इसके पहले माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ईए इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 2.303 इंटू 5 इंटू आरटी, आर कितना होगा कैलरी में 2 और टेम्परेचर कितना 500, तो ईए इक्वल टू कितना होगा 1000। ये कैलरी में लिखा ना, तो ये कितना होगा कैलरी, और आपसे किसमें पूछा है किलो कैलरी में, 11.5 ही कर लेना, ये किसमें होगा कैलरी में, आपसे किसमें पूछा है किलो कैलरी में, कैलरी को किलो कैलरी में कैसे कन्वर्ट करते हो, किलो में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे कैंसिल, तो ये इक्वल टू कितना होगा 11.5 किलो कैलरी। तो ये था बेटा आपका कॉलिजन थ्योरी, समझ में कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है कोलाइड करेंगे, एक एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार करेंगे, जितने मॉलिक्यूल पार कर पाते वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसके बराबर होते हैं e^-EA/RT। क्लियर हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।